हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माता मोहन देवी ओसवाल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आई एम रंजना गोयल, HOD ऑफ पंजाबी। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, सांझ। सांझ कहानी बेटा प्रिंसिपल सुजान सिंह दी लिखी हुई है। सुजान सिंह ने कविता, वार्तक ते स्वै जीवनियां बहुत सारिया लिखिया हैं, पर उन्हां दी प्रसिद्धि कहानीकार दे तौर ते ही हुई है। उन्हां दी प्रमुख कहानियां विचों सांझ कहानी उन्हां दी हरमन प्यारी कहानी है। ये कहानी का मुख पात्र प्रोफेसर ML मल्होत्रा है। सांझ कहानी पंजाबी ते प्रसिद्ध कहानीकार सुजान सिंह दी लिखी हुई है। इस कहानी विच कहानीकार ने दस्या है कि किस तरह किसे प्रति दिखाई गई हमदर्दी एक दूजे विच सांझ पैदा कर दिंदी है ते बंदा एक दूजे लई इंसानियत दा रूप वेखदा है। कहानी के शुरू में असीं देखते हाँ कि प्रोफेसर ML मल्होत्रा कॉलेज विच छुट्टी होने तो बाहर निकलिया। पक्की सड़क तक कुछ रस्ता कच्चा रोड़िया भरिया, उच्चा नीवा होने करके उसनू साइकिल चलाने विच काफ़ी जोर लाना पिया ते अंत वह पक्की सड़क उत्ते जा चढ़िया। चढ़ते जेठ महीने की गर्मी अपने पूरे जोबन विच सी। उसने वेख्या कि गुरुद्वारे के वड्डे दरवाजे के बाहर एक तरेक हेठ कुछ सवारियां बस की उड़ीक कर रही सन ते कुछ सड़क ते बने बस स्टैंड उत्ते खड़ियां सन। हुन सड़क टलवान वाली आ गई सी जिसनू प्रोफेसर ने तेजी नाल पार किता। पदरी सड़क ते गर्मी कारण लुक पिघली हुई सी। प्रोफेसर गर्मी नाल पसीनो पसीनी होया पिया सी। प्रोफेसर ने सोचते होया वेख्या कि एक नौजवान जिस सिर ते लाल चीरा बन्या होया सी खड़ खड़ करदा साइकिल उत्ते उसदे कोलों लंघ गया। पहला तो उसने सोचा कि साइकिल बड़ी तेजी नाल उस तो अगे लंघिया जा रहा है, पर फिर उसने यह ख्याल आया कि मेरा ये वहम ही है कि साइकिल मेरे तो भी अगे निकल गया है। प्रोफेसर दे बाल भावें चिट्टे हो गए सन, पर सेहत पक्षों वह बड़ा ही तगड़ा सी। जो तो प्रोफेसर साइकिल ते जा रहा सी ते उसने एक भारतीय लीडर का कथन याद आया कि अज जो दूजे देशों विच स्पूतनिक हवाई जहाज अते कारां दा युग आ गया है, उत्थे भारत अजे साइकिल युग तक ही पुजा है। पर लेखक ने जापया कि भारत अजे साइकिल युग तक ही नहीं पहुँचा सी क्योंकि इत्थे साइकिल भी कुछ कु लोगों कोल ही हन। उसनू यह गलत लग्या कि साइकिल गरीब की सवारी है। लेखक नू अपनी गरीबी का एहसास भी होया जो कि उस दे चिट्टे कपड़िया विच लुकी हुई सी। प्रोफेसर नू इस तेज गर्मी नाल जूझती हुई तुरी जांदी एक तीवी मिली। उस तीवी ने प्रोफेसर साहिब नू साइकिल ते बिठाउन लई तरला किया, जाने कि बड़िया मिन्नतां कीतियां कि उहदे साइकिल ते आके बैठ जाए। पहला तो प्रोफेसर अगे निकल गया, पर कुछ देर बाद उसका साइकिल अपने आप ही रुक गया। प्रोफेसर नू माई ने दस्या कि उसने बागां वाले कोल सहेड़े जाना है। प्रोफेसर ने समझा कि शायद उसने शहर जाना है जो उत्थों मील कु विखते सी, परंतु बागा वाला तां उत्थे 2 मील ते ही रहिंदा सी। प्रोफेसर ने माई नू शहर तक लै जाण दा वायदा करके साइकिल ते बिठा लिया। दूजे पासे से माई बुढ़ी शारीरिक तौर ते बड़ी कमजोर सी, उसनू चंगी तरह दिखता भी नहीं सी। वह नंगे पैरी सड़ती धूड़ विच जा रही सी। उसकी सुथन गंदी अते सो टाकियां लगियां होईयां सन। उसका कुर्ता भी मैल नाल भरिया होया सी। उसकी चुन्नी भी तंदोदंत होई पई सी। उसके शरीर चों गंदा पसीना बह रहा सी। बुढ़ी माई दे गंदे पसीने नूं वेख के प्रोफेसर दा दिल मिचक गया अते ओह अपने आप नूं फसिया अनुभव कर रहा सी। बुढ़ी साइकिल ते चढ़ के भी नहीं जा सकती सी। हुन दड़ वट के प्रोफेसर ने बुढ़ी माई दा गंदा जिहा थैला साइकिल दे मोहरे टंगिया अते उसनू अपनी बाह दा सहारा दे के कैरियर ते बिठा लिया। प्रोफेसर नू बुढ़ी माई बारे पता लगा कि उसका कोई अंग साक नहीं है, यानी कि उहदा कोई रिश्तेदार भी उहदे नाल नहीं सी। पिंड विच उसदी एक झुग्गी सी अते झुग्गी तो सवाए उहदे कोल होर कुछ भी नहीं सी। आंढ गुआंढ वाले उसनू कुछ दे दिंदे तां उह खा लैंदी सी, पर मंगण नहीं सी उह जांदी। प्रोफेसर चाहुंदे होए भी उस बुढ़ी नू अपने घर नहीं सी ले जा सकता। उस बुढ़ी नू बस विच बिठाउन लई किराया भी नहीं सी दे सकता। उसकी जेब विच केवल 30 पैसे सन। उसनू याद आया कि उसका बच्चा रस लै के खाने चाहुंदा सी, पर वह कई बार अपने बच्चे की इच्छा पूरी नहीं सी कर सकता। अज उसनू अपनी गरीबी का पूरा तरह एहसास होया कि वह किसी गरीब की मदद भी नहीं सी कर सकता। उस माई बुढ़ी नू बागां वाले तक साइकिल ते छड आउन बारे भी सोचा, पर अपने बुढ़ापे का एहसास करके चुप कर गया। वह इन्ना साइकिल चला के पढ़ाउन की तैयारी कर भी नहीं सी सकता। जो तो प्रोफेसर ने माई बुढ़ी नू शहर दे मोड़ ते उतारिया तां लाल चीरे वाला साइकिल सवार शहरों मुड़
ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਗਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਸ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੇ ਬਾਗਾ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸਹੇੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਥੈਲਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।